जय भीम, जिंदाबाद ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे सीनियर्स, राजेश टंडन सर एंड नंदिता मैम एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एना मैम, जो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे संघर्ष को स्टेज पर लाया। क्योंकि इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, कि क्योंकि ये लगता था कि जो काम हम कर रहे हैं शायद उसको कोई अहमियत नहीं है। ये स्ट्रगल हमारा ऑन स्ट्रगल से स्टार्ट हुआ, पर ये कब कम्युनिटी का स्ट्रगल बन गया हमें खुद नहीं पता चला। लेकिन जब डॉक्टर मार्था फेरल दीदी के बारे में सुना, और कमला बशीन मैम को भी मैं फॉलो करती हूँ, तो जब ऐसे ऐसे इंस्पिरेशन जो हमारे हैं, जो हमारे आदर्श जिनको हम मानते हैं आज के टाइम पे, जब वो लोग उन लोगों को देखा तो एक ऊर्जा आई है हमारे अंदर। और आज ये जो अवार्ड जो आज जो मैंने अपने हाथों से लिया है, बट वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैंने नहीं लिया है, वो उन महिलाओं के लिए है जो आने वाली मेरी पीढ़ी, जो आने वाली न्यू जनरेशन, जो ये समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, उनकी वॉइस के लिए कोई स्पेस नहीं है। आज मैं दावे के साथ यहाँ पे मार्था फेरल अवार्ड टीम एंड रूरल डेवलपमेंट टीम, जो भी इसके पार्टनर्स हैं, उन सब की हिम्मत और हौसले को सलाम करते हुए उनके साथ मिलके ये कह सकती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब महिलाएं अपना आवाज खुल के आजादी के साथ स्पीक आउट करेंगी, और अपने दर्द को वो कभी छुपाएंगी नहीं, और खुल के उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म होगा, महिलाएं ऑर्गेनाइज करेंगी। और हम लोग इस अवार्ड के बाद मेरा संघर्ष और ऊर्जावान होने वाला है, और ज्यादा मुझे तेजी से बदलाव की तरफ हरियाणा के अंदर कदम बढ़ाना है। हरियाणा क्या, मुझे होल वर्ल्ड तक पहुंचना है कि जहां जहां पे महिलाएं अपनी आवाज को खुल के रख सके, गांव गांव से उन बच्चियों को निकालना है जो जो कभी जो दब के उनको स्कूल गांव से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अगर आप जैसे दोस्तों का, साथियों का, बहनों का, भाइयों का साथ रहा, तो जरूर नारीवाद को स्थापित कर पाएंगे। और उसकी शुरुआत मैं आज ही से समझती हूँ कि आज इतनी बहनों और साथियों के साथ वो शुरुआत मैं यहाँ से करके जा रही हूँ। जिंदाबाद। थैंक यू।